हरि बोल हरि बोल।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाळे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपी सह गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधु रसके अमृत छविके सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदिके सिंधु। श्री कृष्ण बृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का शादी कैसे श्री लक्ष्मी प्रिया को साथ में हुई है। इसका फलश्रुति में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति जे सुना ये प्रभुर विवाह पुण्य कथा ताहार संसार बंध नाहे सर्वथा। इसलिए जो व्यक्ति श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का विवाह की बात श्रवण करते हैं उनको कभी भी ये संसार बंधन कभी भी नहीं होता, उसी भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन जब संसार का शादी को बार में जब सुनते हैं फिर क्या होता है, फिर हमारे हृदय में फिर संसार करने की इच्छा जागृत होता है। इसलिए शास्त्र में बताया असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार एक स्त्री संगी एक असाधु और कृष्ण अवतार। बोले कत वैष्णव को है क्या पहले बताया असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। कहते वैष्णव का आचार क्या है, बोले जीवन में असत संग को हमें त्याग देनी चाहिए।
कहते असत संग किया बोले दो है, बोले एक स्त्री संगी एक असाधु। पहला नंबर है जो स्त्री संगी हैं, हैं? जैसे भगवान का संग अत्यंत उपादेय, लेकिन भगवान का भक्तों का संग, उनका भक्तों का संग और भी उपादेय। कहते उसी तरह कहते स्त्री संग से ज्यादा जो बुरा है स्त्री संगी का जो संग है। क्यों ये हृदय में ये संसार की वासना क्यों जगता है जब किसी व्यक्ति को हम असत व्यक्ति का संग करते हैं, हैं? साधारण लोग से बोलो जो संसारी लोग, अरे संसार में क्या आनंद है, संसार में क्या मस्ती, यार शादी करना क्या होता है, हैं? शादी कर लो ना क्या होता है। इसलिए वो क्या करता है, वो संसार का बात सुना 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 कर करना हमें हमारे दिमाग में संसार का विषय वासना डाल देता है। इसलिए स्त्री संगी से ज्यादा जो खराब है स्त्री संगी का जो संग करने वाले उसका संग बहुत बेकार है, क्योंकि हृदय में उनसे ही प्रेरणा हमें मिलती है, ये संसार करने का उससे ही प्रेरणा हमें प्रदान होता है, हैं? इसलिए स्त्री संगी एक असाधु। और दूसरा नंबर जो कृष्ण अभक्तार, कदि जो कृष्ण का जो अभक्त है कदि दूसरे नंबर है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं जब साधारण संसार की बात सुनते हैं शादीशुदा की, उस समय क्या होता है हृदय में विषय वासना रूपी आग हृदय में जल उठती है, हैं? इसलिए जो मोबाइल है ना, ये तो सबसे गड़बड़ी, कहते ये सबसे असत कौन है, कहते ये मोबाइल। एक समय वृंदावन में मैं एक दुकान में जाता था, वो जो कंठी माला खरीदी करने के लिए, उसका एक छोटी बच्ची थी, केवल 3-4 साल की छोटी बच्ची, वो घर में आते ही वो पिताजी को पीछे इतने पड़ जाती थी, बोले पिताजी राधा दामोदर मंदिर चलो, पिताजी राधा श्याम सुंदर, रोज रोज जाते हैं। वो बेटी आकर के ना पिता की हाथ पकड़ पकड़ कर उसको राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर मंदिर में खींच कर को लड़की ले जाती थी, कभी 4 साल की लड़की होगी। मैंने कहा भैया आपका बेटी इतने सुंदर है, इतने छोटी बच्ची, और आते ही पिताजी को चैन में रहने नहीं देगी। बोले पिताजी चलो, छोटी छोटी बोली में तो दिली, पिताजी चलो। मैंने कहा वाह कितना सुंदर आपका बेटी है, आपका बेटी बहुत अच्छी है, भविष्य में ये तो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन उसने कहा महा बाबा हमारे घर में एक बहुत बड़ा दुष्ट भी है, मैं जानता हूँ उसको घर में, उसका एक बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, उसको घर में एक बार हम कीर्तन करके आए, उसका एक बड़ा भाई और वो भी 2-3 साल बड़ा है, और ये छोटी बेटी। मैंने कहा आप घर में असत दुष्ट बदमाशी कौन है, बोले ये टीवी है। मैंने किया है, बोले महाराज आप सोच नहीं सकते हैं, ये टीवी में इतने उल्टा पुल्टा चीज आती है। मैंने कहा घर में टीवी मत रखा करो, बोले फिर दूसरे घर में चले जाए, इसे डर के मारे हमने घर में टीवी लगाना ही पड़ा, नहीं तो दूसरे घर में चले जाएंगे ये लोग। इसलिए गुरुदेव बोलते ये टीवी नहीं, कहते ये कली नहीं, ये टीवी का रूप धारण करके ये कली ने आ गया है। इसलिए ये स्मार्टफोन नहीं, ये कली कली का पाप बन कर आ गया है, ये कली यंत्र है, ये जीवों को सर्वनाश करने वाले ना कौन है, ये स्मार्टफोन मोबाइल और टीवी फीवी। अगर उसमें कोई भगवान की बात देखो, है कोई ठाकुर जी की कथा सुनो, वो तो अच्छी चीज है। जैसे दो धार की तलवार है, ये दो धार, लेकिन उसमें एक मैं भक्तों को बोल रहा था तुम इसमें भगवान की कथा सीखना यूट्यूब से। बोले महाराज जी आप सोच नहीं सकती कितना गड़बड़ी। बोले क्या, बोले आप उसको कथा निकालना पहले ना और कितने सारे चीज आ जाती है, हम कथा क्या देखेंगे, हम तो दूसरे चीज में लग जाते हैं, वो कथा नहीं देख करके महाराज जी हम दूसरे चीज में लग जाते हैं, कोशिश करते हैं कथा पढ़ने के लिए लेकिन कथा में मन नहीं जाता, दूसरे चीज में मन चली जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हैं? कहते जी असत संगत आ गई। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब हम महाप्रभु का साधी के बारे में सुनते हैं संसार बंधन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जब दुनियादारी की साधी की बात सुनते हैं हमारे हृदय में फिर भोग की आग लग जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं साधु सावधान, फिर कही कर अवधान।
इसलिए साधु सावधान किसको कर रहे हैं, बोले साधु साधु को सावधान कर रहे हैं, साधु को ही सावधान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भजन करने के लिए आए हैं, इसलिए जो काम करे ना बहुत सोच विचार करके हर काम करनी चाहिए। इसलिए भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव भर्जनाधिकार। इसलिए भक्ति का जो अनुकूल है उसको स्वीकार करे और भक्ति का जो प्रतिकूल चीज को उसको त्याग देनी चाहिए। है संकल्प अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जनम। इसलिए संकल्प मतलब क्या, संकल्प लेनी चाहिए। क्यों, ये मन तो बड़ा दुष्ट है, ये स्वाभाविक रूप में विषय का प्रति ये मन धावित होता है। इसलिए संकल्प करनी चाहिए, आज से ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिसको द्वारा गुरु वैष्णव भगवान नाराज होते हैं, ऐसे ही काम करेंगे जिसको द्वारा गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट होते हैं, ऐसे चीज देखेंगे नहीं, ऐसे चीज बोलेंगे नहीं और ऐसे चीज करेंगे नहीं। इसलिए संकल्प क्या करनी चाहिए, संकल्प प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आज से ये काम हमें नहीं करने का है, हैं? ऐसे काम करे जिसमें भक्ति बढ़े, भक्ति कभी घटे नहीं, हैं? इसलिए हम लोग महाप्रभु का साथी के बारे में श्रवण किया था, आज हम लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु ने एक दिग्विजय पंडित को उन्होंने कैसे परास्त किया है। कभी ये दिग्विजय पंडित, ये इनका नाम था केशव काश्मीर, ये रहने वाले कहाँ के थे, काश्मीर के थे, पहले काश्मीर में सब पंडित लोग रहते थे, बड़े धुरंधर विद्वान, और इन्होंने सरस्वती मंत्र जप करते 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 सरस्वती माँ को उन्होंने पूरा वशीभूत कर लिया और माँ सरस्वती प्रकट होकर के उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया, इन्होंने वर मांगे पृथ्वी में मेरे को कोई परास्त नहीं कर पाए। माताजी ने सरस्वती ने आशीर्वाद दिया, ठीक है बेटा ये पृथ्वी में कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है। अभी माँ सरस्वती स्वयं जिसकी जिह्वा को पर बैठ करके सरस्वती बात करती थी, हैं? वो जहां जहां पर गए, पहले ऐसे होता था बड़े बड़े विद्वान सर्वत्र केवल संस्कृत के ऊपर में ज्यादा विचार होता था, पहले लोग संस्कृत सबके सब पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ने पर इसलिए स्वाभाविक रूप में हैं संस्कृत जो पढ़ते हैं ना उसका नाम ही संस्कृत है जो शुद्ध है, स्वाभाविक रूप में उनमें भक्ति पर रुचि होती है, तो गीता भागवत रामायण सबके सब संस्कृत भाषा में, इसलिए भारत क्या है सभी का हृदय में स्वाभाविक रूप में भारत, भा मतलब होता है भा प्रकाश, हर समय जो प्रकाश का तरफ में रहते रहते थे, प्रकाश किया भगवान की भक्ति ही प्रकाश है। अभी पहले सब जगह में संस्कृत पढ़ते थे और इन्होंने सब जगह में जा जा करके सबको साथ में तर्क वितर्क करते हुए सभी को उन्होंने परास्त करके, अब जो परास्त हो जाते थे इनका चेला बन जाते थे और जिसको उन्होंने जय करते थे चेला बना करके और नागड़े हैं और हाथी के ऊपर बैठ करके घोड़े हाथी और अपना चेले चापाटियों को लेकर के और बैंड पार्टी बजा को बजाते हुए जहाँ चलते थे हैं पूरा घमासान, जहाँ चलते थे टहलका मच जाती थी पूरा इतने शिष्य सामत, क्योंकि जो हार गए इनका चेले बन जाते थे और सबको लेकर सर्वत्र चलते थे, ऐसे जय करते 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 उन्होंने सारा दुनिया को जय कर दिया। क्योंकि सरस्वती जब स्वयं बात करती है फिर उनको कौन जगत में परास्त कर सकता है। इतने में उसने सुना एक नवद्वीप एक धाम है, वहां पर भी बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, इसलिए वहां पर चैतन्य भागवत में बताया जब तक तो कोई नवद्वीप में आकर के नहीं पढ़ता है ना तब तक विद्या उसको पढ़ाई पूर्ण नहीं होता था, विद्या रस तब तक नहीं मिलता था जब तक श्री नवद्वीप में आकर कोई पढ़ाई नहीं करता था। उनको पता चला नवद्वीप में भी बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, भेज दिया सावधान केशव काश्मीरी आ रहा है जिसका हिम्मत हो हमारे साथ। अभी सुनते ही नवद्वीप में जितने पंडित लोग थे ना सबके सब घबरा गए, बोले क्यों घबरा गए, उनको पता चला माँ सरस्वती उनको जीवा को पर बैठ कर बात करती है, अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर शास्त्रार्थ करे भाई परास्त कर सकते हो, हाँ नहीं, लेकिन जब सरस्वती स्वयं जहाँ बात करती है फिर उनको कौन परास्त कर सकता है, कोई परास्त कोई बात ही नहीं।
लेकिन अभी तक जो नवद्वीप का जो अखूर्ण जो गौरव था, मतलब अभी तक कोई भी आकर के नवद्वीप में कभी भी उसने किसको हरा नहीं सका। हर समय नवद्वीप जय जयकार रही। लेकिन जब सुना ये केशव काशी में आ रहे हैं, अभी तो सारे पंडित एकदम थरथर थरथर कांपने लगे। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। सब पंडित लोग बैठ करके विचार किया, बताओ अभी क्या करनी चाहिए। कुछ पंडितों ने कहा देखो एक काम कर सकते हैं। बोले बताओ। बोले जो निमाई है ना, है तो 15-16 साल के, उस समय महाप्रभु भी टीचर थे हैं, और एक महीना भी पढ़ लिया ना महाप्रभु के पास में, सबको महाप्रभु विद्वान बना देते। बोले एक काम करो, ये निमाई कभी कभी हम लोगों को ऐसे फांकी और ऐसे शास्त्रार्थ कभी करता है जिसका कभी कभी हम उत्तर नहीं दे पाते। ये पंडित को निमाई को साथ में भिड़ा दो, अगर बाई चांस तय वसत अगर निमाई जीत गया ना, बोलेगा भैया आप तो इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, हमारे साथ में शास्त्रार्थ क्या करेगा। एक बालों को साथ में ही शास्त्रार्थ नहीं कर पाए, एक बालों को ही उनको हरा दिया। अगर किसी तरह से अगर हार भी गया ना, बोले अरे हम इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, बालों को हरा दिया तो क्या बड़ी बार, उन्हें कौन सा बड़ी बारी बात कर लिया। मतलब ये बात को हमें ऐसे टाल देंगे। बोले भाई ये बात तो बहुत बढ़िया बात बताए। हाँ सबको मन को ये चीज भा गया। बोले ठीक है ऐसे करेंगे। इतने में महाप्रभु गंगा किनारा में अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर के बैठे हुए, बड़ी सुंदर पूर्णिमा का रात है और चंद्रमा का किरण छिटक रहा है, एकदम चतुर्थी को उद्भासित हो रहा है। अब महाप्रभु जैसे कैसे बैठे हुए, उन्होंने बरना दिया जैसे जैसे तारे को बीच में चंद्रमा जैसे स्वायमान होता है। अब महाप्रभु अभी कम उम्र के हैं, राधा कृष्ण दोनों मिल करके महाप्रभु वहां बैठ करके बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे, संस्कृत पढ़ा रहे थे। हे को नहीं, नहीं को हे कर रहे थे, हाँ नहीं को हे और फांकी, नहीं को और हे को नहीं कर रहे थे, और इतने सुंदर महाप्रभु लग रहे थे। इतने में केशव काश्मीर गाजे भाजा को साथ में बैंड पार्टी बजा बजाते हुए एकदम चारी तरफ में टहलका मचाते हुए हैं, एकदम वहां से अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर के आए। उनको पता चला जे मेरी जो शास्त्रार्थ है वहां पर कोई एक निमाई पंडित है, लेकिन सुना केवल व्याकरण पढ़ा हुआ, वो कोई अलंकार शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, उसको साथ में मेरी शास्त्रार्थ होगा। बोले कि छोटे बच्चे को साथ में मेरी शास्त्रार्थ, हम इतने बड़े विद्वान हो, जहां जहां पर गया हो बड़े से बड़े विद्वान को मैंने छका छुड़ा दी, एक छोटे बच्चे को साथ में मेरी शास्त्रार्थ होगा। बोले ठीक है। तब उन्होंने उनको पता लगाते लगाते जब आए तो उन्होंने महाप्रभु को दर्शन किया, और महाप्रभु को देख करके ना भगवान स्वयं है ना, महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वाभाविक रूप में उनको देखते ही इनके मन में बड़ा आश्चर्य लगा, क्या सुंदर बालक है, क्या सुंदर बालक है। और हे को नहीं, नहीं को हे कर रहे थे, अपना बच्चों को पढ़ा रहे थे। इतने में उन्होंने आकर के बोले आपका नाम श्री निमाई पंडित। बोले हाँ। बोले आप, बोले मैं दिग्विजय पंडित हूँ, केशव काश्मीर हूँ, सारा विश्व ब्रह्मांड को जयकार करते करते मैं आया। उसको पहले शिष्य लोगों ने महाप्रभु को बोल दिया, बोले महाप्रभु अभी क्या होगा, निमाई बताओ अभी क्या होगा गुरुजी, वो तो इतना बड़ा विद्वान है। महाप्रभु ने कहा देखो अभी तक भगवान किसी अहंकार को रखेगा, भगवान सभी के अहंकार को भगवान ने चकनाचूर कर दिया है। नहोश बेण पान नरक रावण, ये कितने बड़े बड़े दिग्विजय थे, ये सबके सब दिग्विजय थे, इसलिए इनका घमंड क्या रहा। कहते भगवान सब चीज को सहन करते हैं लेकिन अभिमान को कभी भगवान सहन नहीं करते हैं। तो महाप्रभु ने एक उदाहरण देकर बताए, बोले फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से ताहर स्वभाव अनुक्षण। महाप्रभु बोले देखो जैसे किसी वृक्ष में फल आ जाने पर क्या होता है, वो पेड़ अपने आप झुक जाती है, वो सर ऊंचा नहीं करता है। कहते उसी तरह जिसको अंदर में जितने गुण आ जाएगा वो उतना अपने आप को नीचा समझेगा। इसलिए ये चीज को सबके सब नोट कर लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जिसके अंदर में जितने अच्छे गुण आएगा उसके अंदर में दीनता ही है। कहते ये वैष्णव का भूषण है, भक्तों का यही भूषण दीनता ही भूषण है।
अभिमान सुरापान प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा है, इसलिए अभिमान का मतलब क्या सुरापान और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा है, इसलिए कद भगवान अभी तक इसकी अभिमान नहीं रखे, सबके सब घमंड चकना चुर कर दिए, इसलिए तुम लोग कोई चिंता मत करो डरने का, क्योंकि महाप्रभु का जो शिष्य लोग थे ना डर गए, जब सरस्वती स्वयं बात करती अभी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, महाप्रभु बोले बुझी देखो कार गर्भ चूर्ण नहीं है, है? सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं सहे, भगवान कभी अहंकार को सहन नहीं करते हैं, जगत में अभी तक किसी की भी अहंकार भगवान नहीं रखे, सभी का अहंकार भगवान ने चकनाचूर कर दिया, इसलिए कोई चिंता मत करो है, समय को देखो। इतने में महाप्रभु ने आदर करके महाप्रभु को क्या बोलते थे, नादपि सुनिचे न तररपि सहिष्णुना अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सदाहरी, इसलिए हर समय दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, कभी भी अपना अंदर में प्रतिष्ठा की भावना नहीं हो और सबको यथाजोग्य हमें सम्मान देनी चाहिए, जिस जो व्यक्ति दूसरों को जितने सम्मान देता है ना, आप देखना उसको जगत में उतना ही प्रतिष्ठा भगवान देते हैं। ईश्वरपुरी पाद माधवेंद्रपुरी ठाकुर उनके लिए खीर चोरी किया, ठाकुर चोरी किया, उन्होंने देखा भैया सवेरे होते ही जब पता चलेगा ठाकुर जी इनके लिए खीर चोरी किया क्या होगा, सारा दुनिया मेरे को दर्शन करने, उन्होंने रात रात भागे वहां से रेमुणा से भागे, अब आए कहां पर पुरी में, अरे पुरी में पहुंचने से पहले जगन्नाथ जी स्वप्न दे दिए राजा, बोले महाराज मेरा एक भक्त ब्रज से आ रहा है, उनके लिए मलय चंदन की व्यवस्था करना है, उनके लिए मलय चंदन की व्यवस्था कर देना। राजा बोले भैया ऐसे कौन सा भक्त आ रहे हैं वृंदावन से जो जगन्नाथ जी मेरे को स्वप्न दे रहे हैं, इसलिए आने से पहले ही उन्होंने उनको स्वागत करने के लिए आरती की थाली फूल फूल की माला लेकर के आने से पहले उनको स्वागत करने के लिए तैयारी। माधवेंद्रपुरी बोले हे भैया मैंने प्रतिष्ठा को छोड़ करके आया, भाग करके राता रात भाग करके आया और यहाँ पहुंचने से पहले राजा तैयारी यहाँ पर कह रहे हैं भक्त प्रतिष्ठा तो नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, बोल रहे थे ना क्लेशग्नि सुभदा, इसलिए अगर हृदय में भक्ति आ जाए ना, भक्ति आते ही अपने आप, भक्त कभी नहीं चाहता है मेरे प्रतिष्ठा हो जय जयकार हो, नहीं चाहता है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, स्वयं भगवान उसकी सारे जय जयकार सारा दुनिया में उसकी जय जयकार ढिंडरा पिटवा देते हैं। पुरी में कोई एक व्यक्ति था क्या जगन्नाथ जी भक्त ना, जो कटहल चोरी करने के लिए गए, बलराम दास जगन्नाथ जी का सखा है, और इन्होंने जगन्नाथ जी बोले चलो हम कटहल चोरी करने के लिए जाएंगे हैं, अभी उन्होंने बलराम दास को लेकर चले गए किसी गृहस्थ घर में घुसे रात को, और जगन्नाथ जी बोले भाई मैं नीचे हूँ तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जा, चढ़ करके और तुम कटहल जो पका हुआ कटहल को हाथ तोड़ करके फेंक देना, अब मैं नीचे पकड़ लूंगा। बलराम दास एकदम पक्के हुए कटहल को तोड़े, बोले ठीक से पकड़ना, और जगन्नाथ जी नीचे, और जो फेंकने पर है ना जगन्नाथ जी पकड़े क्या पकड़े नहीं, और धड़ांग करके गिरा ऊपर, उससे इतना बड़ा कटहल अगर गिर गया तो कितना आवाज होगा, और जगन्नाथ जी तो भाग गए वहां से है, जगन्नाथ जी भाग गए और मंदिर में चुपचाप सो गए। इतने में जो गृहस्थ जग गए, बोले भैया इतने जोर से आवाज कहां से हुई, आवाज आ करके देखा बलराम दास ऊपर चढ़ा हुआ, बोले भैया इसको तो सारा दुनिया भगत कहते हैं, और ये ऐसे भगत जो चोरी करता है, हाँ? जो चोरी करता है रात में कटहल चोरी करता है, पकड़ करके ले गए। फिर जगन्नाथ जी स्वप्न देते भैया ये मेरे दोस्त हैं, हम दोनों गए थे चोरी करने के लिए, लेकिन ये छुपा हुआ भक्त हैं, इसकी महिमा कोई नहीं जानते, इसलिए इसकी महिमा को प्रकाश करने के लिए मैंने साथ में लेकर गया, ये मेरे दोस्त हैं। इसलिए भगवान जो भक्त छुपे हुए भक्त होते हैं ना, ठाकुर जी क्या करते हैं, उसका महिमा को अपने आप दुनिया में प्रकाश कर देते, अपने आप प्रकाश कर देते। इसलिए इतने महाप्रभु बोले कोई चिंता मत किया करो हैं, कोई चिंता मत किया करो। इतने में जब पंडित को उन्होंने सम्मान दे करके उनका आसन दे करके बैठा है, जब बैठा है पंडित लोग क्या चाहते हैं, किसी तरह से हमारी महिमा प्रकाश हो, वो चाहते ना किसी तरह से हमारी महिमा दुनिया को पता चले। इतने में महाप्रभु जान बुझ करके बोले पंडित जी हमने सुना आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ये सामने
जो गंगा बह रही है, थोड़ी सी गंगा की महिमा को गाएंगे। बस पंडित तो यही चाहते हैं, हमारी प्रशंसा हो, पंडित प्रकाश हो। क्या उन्होंने श्लोक बोले, जैसे आंधी तूफान है, जैसे आंधी तूफान, ऐसे कोई याद क्या हुआ श्लोक नहीं, श्लोक बना बना करके ऐसे जैसे आंधी तूफान, जैसे एक घंटा तक उन्होंने लगातार क्या श्लोक बोल रहे थे। महाप्रभु का जितने भक्त लोग थे ना, शिष्य लोग, अक्के बक्के चक्के होकर देख रहे, बोले भैया इतने बड़े विद्वान होता है कोई विद्वता है, कोई श्लोक याद करके नहीं, जटाजट श्लोक बना रहे हैं, बोल रहे हैं, बना रहे हैं, बोल रहे हैं, बना रहे हैं, बोल रहे हैं, आंधी तूफान लगातार जैसे एक घंटा तक है। कहते वहां पर जैसे आंधी तूफान एकदम मच गई वहां पर। जब बंद हो गए ना महाप्रभु का भक्त, तो देख देख करके बोले हे भगवान, हमने कभी जिंदगी में इतने बड़ा विद्वान कभी हमने देखा ही नहीं, इतने बड़े विद्वान विद्वता बना बना करके श्लोकों को। जब चुप हो गए महाप्रभु बोले, पंडित जी आप तो सब संस्कृत संस्कृत में बोले, यहाँ पर तो कोई संस्कृत कोई समझे नहीं, इसलिए अगर आप कृपा करके थोड़ी सी अगर श्लोक को व्याख्या करते ना, फिर इनको थोड़ा पता चलता। लेकिन पंडित जी क्या सोच रहे थे, ये निमाई को मैं बात बात में हरा दूं, बोले बात बात में कैसे हरा दूं, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके उन्होंने पूछा, बोले बताओ मैं कौन सा श्लोक को मैं व्याख्या करूं। तो उन्होंने तो आंधी तूफान जैसे श्लोक को बोले, कहीं शास्त्र में है ही नहीं, वो तो पूरा बनाए और बोले है, बनाए और बोले। वो सोच रहे थे जब मैं पूछूंगा कौन सा श्लोक, तो बोल नहीं पाएगा, कहीं तो है ही नहीं श्लोक, और मैंने इतना श्लोक बोला हूँ, ऐसे थोड़ी कोई व्यक्ति एक बार सुन करके थोड़ी कोई याद थोड़ी कर सकता है। बाद इतने में महाप्रभु को मैं हरा दूंगा, उनका भावना ही था, ये अपने आप हार जाएगा, श्लोक तो बोल नहीं पाएगा। इतने में जो बोले बताओ निमाय में कौन सा श्लोक को बोलू, महाप्रभु ने पूरा जो इतने श्लोक आंधी तूफान जैसे बोले, उसको बीच से एक श्लोक को उन्होंने बोले, आपको मुखस्त श्लोक नहीं ना, हाँ उसमें, हाँ इसमें गंगायाम सततम इभाति जदे शास्त्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा, ऐसे एक चार लाइन के एक श्लोक था, अद्भुत श्लोक था उसमें। इतने में चार लाइन का श्लोक को महाप्रभु ने एकदम बीच से, पहले नहीं लास्ट में नहीं, बीच से श्लोक को उन्होंने महाप्रभु ने बोला। पंडित बोले ये क्या है, मैंने इतने श्लोक में ना आंधी तूफान जैसे बोला, और कहीं शास्त्र में है ही नहीं, और ये बीच से एक लाइन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लाइन की, और ऐसे नहीं, बड़ा कठिन श्लोक है, बड़ा कठिन श्लोक था, इसमें गंगा की महिमा था, बोले चार के चार लाइन कैसे याद कर लिया बीच से। इतने में पंडित जी ने पूछा, ये चार लाइन का श्लोक तुमने इतना आंधी तूफान जैसे मैंने श्लोक बोला, तुमने याद कैसे कर लिया। बोले पंडित जी हैं, जैसे आप सरस्वती की कृपा से आप इतना विद्वान हो, जगत में ऐसे भी तो कोई हो सकता है जो श्रुतिधर हो, जो एक बार सुने और उसको याद कर ले, हैं माँ की कृपा से कोई तो श्रुतिधर भी हो सकता है, कोई सुन करके याद कर ले। बोले ये श्लोक को व्याख्या करो। जब उन्होंने व्याख्या किया ना, इतने में महाप्रभु ने बोले, पंडित जी अगर आपका आदेश हो, इसमें कुछ आपकी गुण भी है और उसमें कोई दोष भी है। पंडित जी ना का अभी तक जगत में कोई जन्म नहीं हुए जब मेरे श्लोक में कोई दोष दिखा सकते हैं, इसमें केवल गुण गुण ही है, दोष का कोई नाम नहीं मेरे श्लोक में। बोले अगर आपका आदेश हो मैं बोल सकता हूँ। बोले बताओ। फिर उन्होंने पहले आदि बीच और अंत में इतने दोष को उन्होंने दिखाए, वहां पर जो विचार है ना, जो विद्वान वहां पर सबके सब बताया, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बहुत अच्छे तरह से, कैसे पांच दोष, कैसे पांच गुण, कैसे तकार, कैसे रकार, कैसे एक जगह पर कैसे उन्होंने वर्णन किया। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे ना, अब हमारे बुद्धायन महाराज इसको बोल सकते, पढ़ करके बोल बता सकते, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा था, लेकिन उसमें संस्कृत का कुछ बहुत सारे विचार है, है? एक श्लोक रचना करने के लिए मतलब आप कितने क्या कितने जरूरत है, कैसे एक शब्द बारंबार नहीं होनी चाहिए,
जैसे वहां पर भवानी भर्तु, वहां पर दोष क्या था, क्या भवानी, भवानी मतलब क्या है, जो शंकर जी का जो पत्नी वो भवानी है, भव की जो पत्नी भवानी, फिर भर्तु, भर्तु मतलब उसका जो पति, इसका मतलब क्या पार्वती के दो पति थे, वहां पर कैसे दोष दिखाया है, वहां क्या पता चलता है पार्वती की दो पत्नी, हाँ पार्वती के दो पति थे हैं, इसलिए यद्यपि श्री लक्ष्मी, श्री मतलब हो जाता है लक्ष्मी, फिर लक्ष्मी एक शब्द को दो बार मैंने प्रयोग किया, ऐसे वहां पर दोष दिखाया, इतना उन्होंने दोष दिखा दिया महाप्रभु ने, इतना उन्होंने दोष दिखा दिया ना, पंडित तो अक्के बक्के चक्के होकर देखते रह गए, ये क्या बोल रहा है, मैंने इतना गलती बोल दिया, इतने गलती मेरे निकली कैसे। और वहां पर तो जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, जितने छात्र है, जब महाप्रभु इतने दोष दिखा रहे थे, इतने में सारे भक्त लोगों ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया है, जोर जोर से ताली बजाना, लेकिन महाप्रभु कौन है, महाप्रभु अमान्य धर्म के आचार्य है, महाप्रभु सबको मान देते हैं, महाप्रभु बोले नहीं, ऐसे कभी विद्वानों को कभी भरी सभा में लज्जित नहीं करनी चाहिए। इतने में महाप्रभु ने, इतने में श्री महाप्रभु पंडित को बोला, पंडित जी कोई चिंता मत करो, आज आप बड़े दूर से आए हो, थक गए हो, अभी आप घर में जाओ, अच्छे तरह से चिंता करके फिर कल आओ, फिर बैठी करके हम विचार करके, कोई चिंता की बात नहीं। मतलब महाप्रभु परास्त कर दिया, लेकिन उनको समझ में नहीं दिया, परास्त किया उन्होंने, मतलब भरी सभा में उनको व्यजित नहीं किया, उन्होंने व्यजित नहीं करके महाप्रभु उपयुक्त सम्मान दे करके महाप्रभु उनको भेज दिया। लेकिन पंडित को तो पता चल गया, मैंने बुरी तरह से मेरी परास्त हो गए, बुरी तरह से मैंने परास्त हो गया, इतने लज्जित हो गया, लज्जित होकर के बोले मेरे मुंह से इतना गलती निकला कैसे, लगता है आज मेरे ऊपर में माँ सरस्वती नाराज है। तो वो जा करके माँ सरस्वती मंत्र को उन्होंने जप किया, जप करते 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 उन्होंने सो गए, जब सो गए इतने में माँ सरस्वती स्वयं इनके स्वप्न में प्रकट हुई, बोले बेटा आज तुम्हारी विद्या पढ़ना सार्थकता हो गया है, मैंने क्या भर दिया था, ये इसी जगत में किसी व्यक्ति को सामने तेरा परास्त नहीं होगा, यही भर दिया था ना, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है, लेकिन आज तुमने जिसको साथ में परास्त हो गए हो, ये जगत का कोई व्यक्ति नहीं, ये तो स्वयं गौर नारायण है, ये मेरे पति है, है? ये मेरे पति है, पति को सामने पत्नी कभी मुंह उठाकर बात नहीं करती है, इसलिए तू तो नहीं बोलता था, मैं तुम्हारी जीवा पर बैठ करके बोलती थी, जब तुमने मेरे पति को सामने हैं, जब तुमने शास्त्रार्थ करने के लिए गया, मैं पति को सामने कैसे मैं बोल सकती हूँ, और मैं वहां से अंतर ध्यान हो गई तो फिर तो तुम्हारी मुंह में कोई चीज भी स्फुरण नहीं हुआ है, कोई चीज भी, और सरस्वती ने जान बुझ करके उसको श्लोक में उन्होंने सरस्वती ने स्वयं ही गलती करवा दिया। और जब तर्क वितर्क करने के लिए गया, लक्ष्मी चली गई वहां से, सरस्वती जब चली गई, ये तो अक्के बक्के चक रह गए, कुछ भी मुंह से बोली नहीं निकल रहा था, क्यों, सरस्वती वो तो चली गई थी। तो सरस्वती कहती है, देख बेटा आज तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सार्थकता हो गया, माँ सरस्वती स्वयं कहती है मेरी कृपा दो तरह का है, कहते मैं जिसको सही सही कृपा नहीं करती हूँ इसी जगत का मैं क्या करती हूँ, MA, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर क्या करता हूँ, कहते संसार का एक कथा बना देती, इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते ना, विद्या अभिलाषे काटाय नुआमी परम साहसे आमी, इसलिए भक्तिमान ठाकुर कीर्तन है, कहते सही कथा होए संसार रो बोझा बहीन अनेक काल, हाँ जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा मोह जनमिया अनित्य संसारे जीव के करई गाथा। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं इसलिए जड़ विद्या जत मायार वैभव, जितने ये जड़ विद्या है ना, जितने डिग्री है, कहते ये क्या है, कहते माया ने ये सब जाल बिछा करके रखी, माया ने ये जाल बिछा करके रखी है, इसलिए माया क्या करती है, ये विद्या को देख करके करती है क्या, जीव को है ये विद्या देख करके वृद्धा एक अभिमान दे देती है, अभिमान दे करके करती है क्या,
मायार वैभव तुम्हार भजन बाधा, ये सब चीज क्या है, ये तुम्हारी भक्ति में बाधा है। इसलिए महाप्रभु एक जगह पर बोले, पढ़िया सुनिया लोगो गेलो छारे खारे और कृष्ण महा महोत्सव बच्चुल तारे है। ये महाप्रभु कह रहे हैं, कहते पढ़िया सुनिया लोगो गेलो छारे खारे, कहते पढ़ सुन करके ना। हमारे मंदिर में कोई एक आए थे, हमारे गुरु जी का समय हमारे मंदिर में कोई आए थे, किसी ने कहा गुरुदेव मैं थोड़ा और थोड़ा लिख पढ़ करके आ जाओ, बोले और थोड़ा लिख पढ़ के मैं आ जाऊं, उन्होंने बोले। तो गुरुदेव ने कहा देख बेटा जितने पढ़ लिया है ना, बहुत पढ़ लिया, अभी जितना पढ़ा हुआ है इसको अभी तुम भगवान की सेवा में लगाओ। तब गुरुदेव ने ये शब्द बोले, पढ़िया सुनिया लोको गेलो छारे घारे और कृष्ण महा महोत्सव बच्चिल तारी। गुरुदेव स्वयं कह रहे थे बेटा ज्यादा लिखा पढ़ाई करोगे ना तो सोचोगे और थोड़ा घर में जाऊं पढ़ाई लिखाई करके आऊं, फिर क्या करोगे, बस पढ़ लिया इतना पढ़ाई किया जाओ फिर ये साधु बन जाओगा। पढ़ाई लिखाई करके फिर उसको तो काम में लगाने चाहिए, क्या शादी कर लो फिर नौकरी चाकरी करो फिर पैसा कमा फिर संसार है गुरुदेव। इसलिए हमारे गुरुदेव भी मंदिर में आकर दोबारा गए, वकीलाती किया, लेकिन भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज आकर के नहीं बहुत हो गया चलो जो पढ़ लिया चलो जितना हो गया। लेकिन गुरुदेव ने लास्ट में बोले बोले केवल एक परीक्षा बाकी रह गया, लॉ का लास्ट परीक्षा बाकी रह गया था। तो उन्होंने पूछे ये क्या लास्ट परीक्षा दे दूं, बोले जरूरत नहीं कोई डिग्री फिग्री कोई जरूरत नहीं पढ़ाई पढ़ाई की और कोई पेपर देने का जरूरत नहीं, अभी जितने पढ़ाई तुमने की हो इसी को क्या करो तुम अभी गुरुदेव का सेवा में वैष्णव का सेवा में लगा दो यही, क्योंकि ये माया वैभव है। पर पढ़ाई करोगे ना भैया थोड़ा नौकरी फकर करके नौकरी भर पैसा थोड़ा तो कमा ले, बस पैसा कमाने के लिए जाओगे फिर गीता संसार हो जाएगा, गीता का संसार हो जाएगा, फिर गीता के संसार जानते कि नहीं गीता के संसार। इसलिए एक साधु के पास में एक क्या कथा है, हाँ एक साधु के पास में एक गीता ग्रंथ था है, गीता ग्रंथ था, अभी गीता ग्रंथ था, वो गीता को क्या करता था चूहा आकर के कभी कभी गुरुदेव वो शिष्य को बोले गीता को तुम रखिया करना और उसे दायित्व देकर गए तीर्थाटन में। शिष्य ने सोचा अभी देखा कभी कभी ये चूहा आकर के गीता को काटता है, बोले भैया क्या किया जाए क्या किया जाए, बोले एक बिल्ली रख लो फिर चूहा नहीं आए। उन्होंने कहा बिल्ली रख लिया, अभी बिल्ली रख लिया तो अभी बिल्ली खाएगा क्या, बिल्ली को खाने के लिए कुछ चाहिए ना, बोले वो तो दूध पीता है बिल्ली है, इसलिए एक गैया रख लो। तब उन्होंने कहा गैया पाल लिए, तो गैया पाल लिए भाई गैया को देखेगा कौन, अरे हम तो भजन करते गीता पढ़ते हैं गैया को कौन देखेगा, बोले शादी कर लो शादी कर लो। जब गुरु जी आए बोले ये क्या, बोले गुरु जी ये गीता का संसार है, ये गीता का संसार है। इसलिए यहाँ पर ये सरस्वती स्वयं कहती है मैं जिसको पर मैं कृपा नहीं करती हूँ क्या करती हूँ उसको संसार का मैं गधा बना देती हूँ। गधा मतलब क्या, गधा जैसे दिन भर परिश्रम करता है, देखना जो पहाड़ अंचल में पीठ में दाल चावल सब्जी तेल नमक सब गधा पीठ में ढोता है दिन भर ढोता है ढोते ढोते, लेकिन लास्ट में जो सोता है खाता है क्या वही घास। कभी उसका मालिक एक गिलास शरबत बनाकर नहीं पिलाता है, कभी एक पराठा बनाकर नहीं देता है, इतना कष्ट किया कि पराठा तो पराठा नहीं क्या कहते घास खाता है। हाँ इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कहते गर्धवेर मत हमें करी परिश्रम कार लागी इत करी ना कुछ लभ्रम। भक्तवीर ठाकुर कहते हैं हम दिन भर परिश्रम करते करते पैसा कमा कर भैया भैया किसके लिए तुम करते हो, किसे संसार ए छायाबाजी प्राय यहाँ से ममता करी वृथा गिनी जाए है, कि संसार क्या ये मायामय है। ये सरस्वती स्वयं कहती हैं, बोले बेटा मैं जिसको ऊपर मैं कृपा नहीं करती हूँ जड़ जगत का कुछ विद्या दे करके उसको क्या करता हूँ संसार में गधा बना देती हूँ है, गधा बना देती हूँ। लेकिन मैं जिसको ऊपर मैं सही सही कृपा करती हूँ सा विद्या जतन मतिर जया, वही विद्या विद्या है जिसको द्वारा तुम भगवान को जान सकते हो। आज तुम जिसको साथ में मिला है ना वो मेरे कौन है, मेरे पति है, इसलिए आज मेरी विद्या की संपूर्ण सार्थकता हो गया। क्यों आज जिसको साथ में मिले हो मेरे प्रभु को साथ में मिले, बेटा
जाओ, उनका चरण में शरणागत हो जाओ और उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। उसने तो राता रात एकदम चल पड़े, एकदम सवेरे सवेरे जा करके सीधा महाप्रभु का चरण में गिर पड़े। महाप्रभु बोले, पंडित जी ये क्या कर रहे हो, आप चरण में क्यों गिर रहे हो? बोले, मेरे को माँ सरस्वती ने स्वयं बताया, आप स्वयं गौर नारायण हो, ये मेरी माँ स्वयं बताए, इसलिए आप मेरे ऊपर में कृपा करो। पर महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, विद्या बढ़े के न, बोले कृष्ण भक्ति जानी बारे, सजदी नहिले तबे विद्या की करे। बोले, विद्या हम क्यों पढ़ते हैं? बोले, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए। बीत मतलब होता है जानना, बीत मतलब होता है जानना, किसको जानना, भगवान को जानना, इसलिए उसका नाम अक्षर है ना, अ आ, इसको अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब अ मतलब नहीं, क्षर मतलब विनाश, इसका विनाश नहीं, इसलिए किसका विनाश नहीं, भक्ति भक्त भगवान का विनाश नहीं, इसलिए महाप्रभु कहते, बेटा ये तेह छालिया चली ले, जब ये शरीर तुम्हारी छूट जाएगी, विद्या बा पौरस कुछ संगे नहीं चले, इस जगत का जितने डिग्री है ना, सारे डिग्री यहीं रह जाएगी, इस कोई डिग्री तुम्हारी साथ में नहीं जाएगी। अंतिम समय में बोलेंगे, राम नाम सत्य है, हर गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई वाह झूठा है। बोले, जितने तुमने भगवान का नाम भजन किया, अभी वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है सब यही छोड़ करके जा रहे हो। पत्नी जाएगी तो दरवाजा तक चलेगी, और परिवार जाएंगे तो शमशान तक चलेगी। इसलिए बेटा, विद्या पढ़ के ना, कृष्ण भक्ति जानी वारे, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए ही विद्या को पढ़ते हैं। अगर वो अगर नहीं हुआ तो विद्या पढ़ कर क्या होगा है। इसलिए इतने के महान तो तुम्हें सर्व परिहरी कहते, महान मतलब जिसका मोह अंत हो गया है। इसलिए इतने के महान तो तुम्हें सर्व परिहरी करेन ईश्वर पूजा दृढ़ चित करी, जिसका मोह अंत हो गया वो क्या करेंगे, कहते सब छोड़कर क्या करे, करेन ईश्वर पूजा दृढ़ चित करी, भगवान का चरण को दृढ़ रूप में पकड़ करके भगवान की भजन करते हैं जो बुद्धिमान। इसलिए बेटा, ये सारे अभिमान को त्याग दो, त्याग देकर क्या करो, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। महाप्रभु उनको भगवान की भक्ति को उपदेश दिया, तब उन्होंने महाप्रभु को कृपा प्राप्त करते हुए उनका जीवन संपूर्ण बदल गया। बाद में फिर उन्होंने कहते, श्री निम्बार्क संप्रदाय में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, एक बहुत बड़े आचार्य उन्होंने श्री निम्बार्क संप्रदाय में महाप्रभु का तो कृपा प्राप्त किया। बाद में उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के भगवान की भजन, भगवान की उन्होंने भक्ति किया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर परमानंदे हरि हरि गो, हरे कृष्णा। हाँ, सबके सब कीर्तन करे, जो लोग दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ में, कोरोना वायरस जल्द जल्द खत्म हो जाए, लॉकडाउन जल्द जल्द खुल जाए, सबके सब भगवान की भक्ति करे, भजन करे। इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए पीछे पीछे कीर्तन करे, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। महाप्रभु का दर्शन करा दो, जगन्नाथ जी की। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसकी जगह महाराज इधर आ जाओ, इधर अपना स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम देव राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
Hare 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 Hare
गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन चक्र की हरि बोल। जय।